जैसे कि गाइस आज हम बात करने वाले हैं आईएफबी के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में, और इसको हम बात करने वाले हैं कि इसको रिस्टार्ट कैसे करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा दरवाज़ा तो खुल रहा है, लेकिन सारे प्रोग्राम हैं, अभी मशीन चालू हो गया है लेकिन ये हमारा दरवाज़ा लॉक हो गया और यहाँ से पानी आना भी स्टार्ट हो गया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हम कोई भी बटन घुमा रहे हैं चालू करके या बंद करके, हमारा कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हॉट का सिंबल आ रहा है, और यहाँ पे हम ऑफ़ करते हैं फिर चालू करते हैं कि हमारा अगर जो ये प्रोग्राम कैंसिल होकर वापस चालू हो जाए तो नहीं होगा। सबसे पहले दोस्तों बता दूँ, ये हमारा प्रोग्राम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डीवाईको मॉडल का है ये, और यहाँ पे जो है 3 सेकंड का लॉक दिया है। ये दोनों बटन को आप 3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो हमारा जो मशीन है पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी लेना स्टार्ट हो गया है, उसको फिर डालेंगे। मान लो अगर जो आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, कोई ये बटन नहीं काम कर रहा है, रेडी, ये भी बटन नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और कुछ दूसरा चलाना है, तो एक बार इसको दाबोगे तो भी ये घूमेगा नहीं, ठीक है ना, और इसको भी बंद करोगे तो भी नहीं घूमेगा। तो पावर, सबसे पहले पावर ऑन करना है आपको, ठीक है। और मान लो ये घूम नहीं रहा है किधर भी, तो ये जो है ना ये 3 सेकंड अपने को प्रेस करके रखना है ऐसे। ये हमारा प्रोसेस पूरा रिस्टार्ट हो गया, पूरा ये पीसीबी मतलब रिस्टार्ट हो गया। अभी ये एरर दिखा रहा है यहाँ का, तो ये अभी जब बंद होगा तो ये दरवाज़ा हमारा खुलेगा। तो ये अगर जो कोई प्रोग्राम सेलेक्ट हो गया है, इस पर चल रहा है और फिर इस पर से इस पर लाना है तो ऐसा नहीं हो रहा है, फिर दबा दिए बंद हो गया फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसको 3 सेकंड तक खाली दबा के रखने का, उसके बाद आपका पूरा प्रोसेस काम हो जाएगा। दबाने के बाद जब ये खुलेगा ना तो यहाँ पे सारी लाइटें जल जाएगी, देखिए ये सारी लाइट जल गई। उसके बाद आप इको वॉश कर दीजिए, ये अभी आपका 30 मिनट का प्रोसेस पूरा चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके।